हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यू एंड मी ब्लॉग पर दोस्तों। और ये हम लोग हैं अभी टाटा के स्टॉक यार्ड में और आज आपके लिए हम XT CNG टियागो का हम रिव्यू लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए पूरी गाड़ियां खड़ी हैं, हम लोग आगे अपना गाड़ी का रिव्यू देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे रिव्यू मिलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी टाटा टियागो XT CNG है और 2022 मॉडल, अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी है। देखिए इसका टायर साइज जो है, देखेंगे देख रहे होंगे दोस्तों आप, तो 175/60x14 का इसका जो है टायर साइज है दोस्तों। अभी ये स्टॉक यार्ड में खड़ी है दोस्तों गाड़ी, हम जो है इसका PDI कर रहे हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी का लुक बहुत शानदार आ रहा है दोस्तों। देखिए सामने से कुछ ऐसा लुक आता है दोस्तों। इस गाड़ी का रिव्यू आपने बहुत जगह देखा होगा, ये थोड़ा सा अलग रिव्यू है हमारा। ये देखिए दोस्तों इसमें ORVM जो है फोल्डेबल ऑप्शन के साथ नहीं आते हैं, लेकिन इंडिकेटर आपको ORVM में मिलेगा दोस्तों। लाइट कुछ ऐसे है, इसमें फॉग लैम्प नहीं आ मिलेगी आपको, हैलोजन लाइट्स मिलेगी। 14-inch के टायर्स हैं इसके अंदर दोस्त। और ये देखिए इस तरह का आपको ORVM मिल रहे हैं, ये मैन्युअली फोल्ड होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं इंटीरियर में, ये कुछ इस तरीके का हमारा जो है स्टीयरिंग है। आप देख रहे होंगे इसमें आपको स्टीरियो के आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्टीरियो पे हार्मन का आता है जो टच स्क्रीन नहीं है दोस्तों, नॉर्मल है। और ये कुछ इंटीरियर इस तरीके का है हमारा, ये देखिए ये मैनुअल एडजस्टेबल इसका वो है आपका, देख रहे होंगे IRVM। और इसमें AC जो है इसमें भी मैनुअल आते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके का स्क्रीन है इसका, टच स्क्रीन का। देखिए गाड़ी की हमने चाबी ऐसे ऑन कर दिया, ऐसे देख रहे हैं हम। 18 किलोमीटर की भी रनिंग हो चुकी है इसके ऊपर करीब। इस गाड़ी की डिलीवरी जो है नेक्स्ट वीक में दोस्तों, हम आपको डिलीवरी एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये मैनुअल AC है, नीचे ये 12 वोल्ट का सॉकेट, USB पॉइंट और ये मोबाइल स्टोरेज की जगह है इसमें। और साथ साथ ही ये देखिए गियर नॉब है कुछ इस तरह के, 5-speed गियर, कुछ इतनी स्पेस दे रखी है बीच में कंसोल पे। और ये पीछे एक बॉटल होल्डर है, ये बैक सीट कुछ इस तरह से दिखती है दोस्तों। इसके हेडरेस्ट कुछ ऐसे हैं, एडजस्टेबल हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। देखिए इसके ये देखिए दोस्तों, खाली यहाँ पे टिकट रखने के लिए फुल जगह है यहाँ पे केवल। दोस्तों हम लोग पीछे चलते हैं टैंक की तरफ। ये देखिए दोस्तों ये CNG इसमें टैंक लगा हुआ है, इसका जो स्टेपनी है वो 13-inch का आता है दोस्तों, 155/13-inch का इसका जो है स्टेपनी है। कुछ पीछे से ऐसा लुक आता है, इसमें आप अपना सामान अगर रखना चाहते हैं तो आपको आगे सीट फोल्ड कर करके आपको तब अपना सामान रख सकते हैं इसके अंदर। एक दो बैग आपके छोटे छोटे बैग आ जाएंगे, देखिए हम सीट हटा के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए 155 का इसका टायर है, स्टेपनी है। और इसमें ऐसे आप हटा करके अंदर की सीट को आप अपना बैग्स वगैरह इसमें आप फिट कर सकते हैं। CNG टैंक लगने के बाद में इसमें बूट स्पेस आपको थोड़ा कम हो जाता है इसमें, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा पन्नी चढ़ी है तो इस वजह से थोड़ा लगने में थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, आगे हम लोग इसको देख लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आगे सही हो जाएगा जब इसके ऊपर से पॉलीथीन हटेगी। ये भी फिट होने में थोड़ा सा कष्ट कर रहा है। दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से अभी गाड़ी का अंदर से कुछ ऐसा व्यू आता है पीछे से, रेयर सीट से आगे का देखने का भी व्यू कुछ इस तरीके का है जैसे आप देख रहे होंगे सामने कंट्रोल हमारा। चलिए दोस्तों इंजन की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों हम इंजन पे आ गए हैं अपने, 72 HP और 95 Nm टॉर्क इससे हमें मिलता है। और 3-cylinder इंजन है, थोड़ी नॉइस करता है लेकिन पावर पिकअप अच्छी है इस रेंज में, इस कैटेगरी के अंदर। थोड़ा सा गाड़ी इन्होंने हल्की कर दी है लेकिन दोस्तों इसकी इस कैटेगरी के अंदर इससे ज़्यादा पावर और किसी गाड़ी में नहीं है अभी तक। ये XID की बैटरी लगी है इसके अंदर दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे, देखिए बिल्कुल फ्रेश इंजन है अभी अभी केवल। गाड़ी जो है PDI के लिए हमने इसको चेक किया है गाड़ी को।
ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा हीटअप हो रहा था। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, और अपना साथ में बैल वाला जो आइकन होता है उसे भी हिट कीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस का हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों ये देखिए कुछ साउंड इस तरीके की आती है इसमें। दोस्तों देखिए हम लोग ये वीडियो यहीं पर ही रखेंगे और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव।